हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलेंगे बीजेपी विधायक। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की अगुवाई में अब से थोड़ी देर बाद राजभवन पहुंचेंगे बीजेपी विधायक। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा रवाना। नाराज कांग्रेस विधायकों से करेंगे बातचीत। कर्नाटक डिप्टी सीएम और भूपेंद्र हुड्डा को निभानी होगी संकट मोचक की भूमिका। यूपी में राज्यसभा चुनाव के झटकों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में सुबह 11 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। बागियों पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। देश का दूसरा श्रीहरिकोटा बनने जा रहे इस स्पेस पोर्ट से छोटे रॉकेट्स की लॉन्चिंग होगी। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। 21,000 करोड़ की राशि 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। महाराष्ट्र को पीएम मोदी आज कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यवतमाल में 4900 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्त के तहत 3800 करोड़ की राशि जारी करेंगे और राज्य के 88 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में महिला स्वयं सहायता समूह को 825 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड वितरित करेंगे और वहीं मोदी आवास घर कुल योजना का शुभारंभ भी करेंगे। देश में जल्द लागू हो सकता है सीए कानून। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गृह मंत्रालय जारी कर सकता है नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर बड़ी सहमति का ऐलान कर सकता है। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा यह तय हो चुका है। दिल्ली में 8 राज्यों की बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गृहमंत्री शाह भी रहेंगे मौजूद। 29 फरवरी को होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज छात्र संगठनों का प्रदर्शन। केंद्र की नीतियों के खिलाफ वाम छात्र संगठनों का प्रदर्शन। कई राज्यों से पहुंचेंगे छात्र। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई। 17 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा और हेमा यादव की नियमित जमानत पर सुनवाई। लैंड फोर्ड जॉब केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में है आरोपी। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए हुआ मतदान। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट पर वोटिंग हुई। यूपी में राज्यसभा की 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती। क्रॉस वोटिंग की वजह से समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। 3री सीट सपा के जया बच्चन और रामजीलाल सुमन रहे विजयी। सपा की जया बच्चन को सबसे ज्यादा 41 वोट मिले हैं। सपा के दूसरे उम्मीदवार रामजीलाल सुमन को 40 वोट मिले। तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन को मात्र 19 वोट ही मिले। सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से जीता बीजेपी का 8वां उम्मीदवार संजय सेठ। 29 वोट लेकर हुए विजयी। बीएसपी के एकमात्र विधायक ने बीजेपी को वोट दिया। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई है। लॉटरी से विजयी घोषित हुए हर्ष। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी प्रत्याशी को 34-34 वोट मिलने से हुआ था टाई। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने किया बीजेपी के पक्ष में वोट। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं और बीजेपी के 25। कर्नाटक में राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत। जीसी चंद्रशेखर, अजय माकन, नासिर हुसैन की हुई जीत। बीजेपी का भी एक उम्मीदवार जीता। बीजेपी के नारायण वंदिगे की जीत हुई है। यूपी से राज्यसभा चुनाव जीतने पर बोले सुधांशु त्रिवेदी। बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जीत आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का संकेत है। देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी हुए और यह एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में उलटफेर के बाद सीएम सुक्खू को हटाने की उठी मांग। सूत्रों के मुताबिक 20 पार्टी विधायकों ने की मुख्यमंत्री बदलने की मांग। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर बोले सीएम सुखबीर सिंह सुक्खू। कहा कि जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था उनकी करतूतों को वो देख रही है। राज्यसभा चुनाव हारने के बाद झलका अभिषेक मनु सिंह जी का दर्द। कहा कि मेरे प्रस्तावक ने ही की क्रॉस वोटिंग। 9 विधायकों से मिली मुझे बड़ी सीख। क्रॉस वोटिंग के बाद बाकी कांग्रेस विधायक के साथ निर्दलीय विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा में पंचकुला ले जाया गया।
यूपी में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट करने वाले 7 विधायकों ने भी किया रुख साफ। बाकी विधायकों में एक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो हमारे समर्पित कार्यकर्ता नहीं। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सपा का सचेतक पद छोड़ने वाले मनोज पांडे आज थामेंगे बीजेपी का दामन। कल मनोज ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य सचेतक मनोज पांडे की नेम प्लेट हटाई गई। विधानसभा में मुख्य सचेतक की नेम प्लेट हटी। यूपी राज्यसभा चुनाव में अपने विधायकों से मिले झटके पर बोले अखिलेश यादव, क्रॉस वोटिंग करने वालों पर होगा एक्शन। राज्यसभा चुनाव पर शिवपाल यादव का बयान, कहा कि चुनाव में बीजेपी ने खरीद फरोख्त किया, बीजेपी ने लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तमिलनाडु के मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर का पीएम मोदी ने किया दौरा। प्रधानमंत्री ने विधि विधान से मंदिर में पूजा भी की। तमिलनाडु के मदुरै में लोगों ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री का लोगों ने अभिवादन किया। पीएम मोदी ने केरल में आगामी लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने का किया दावा। तिरुवनंतपुरम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन की राज्यव्यापी पदयात्रा की समाप्ति कार्यक्रम को संबोधित किया। तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी, 17,300 करोड़ की दी सौगात। महाराष्ट्र को 4900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे आज। पीएम ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष में अंतरिक्ष उड़ान अभियान से जुड़ी जानकारी ली। मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के लिए चयनित 4 एस्ट्रोनॉट के नामों का ऐलान भी किया। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के ऐलान के बाद मलयाली फिल्म अभिनेत्री लीना का बड़ा खुलासा। 40 दिन बाद अंतरिक्ष यात्री प्रशांत नायर से शादी का किया खुलासा। कहा कि पीएम के नाम ऐलान का था इंतजार। तमिलनाडु के पल्लदम में पीएम मोदी ने जर्मन गायिका कैसेंड्रा माइस पिटमैन और उनकी मां से मुलाकात की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार आपके उम्मीदवार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 8वां समन, 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक 7 समन में भी नहीं हुए पेश। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। कांग्रेस के 2, आरजेडी से एक एमएलए बीजेपी के साथ। आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी, कांग्रेस के मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ ने बदला पाला। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल। खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए विपक्ष ने नकली बंदूक के साथ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का निधन हो गया है। 94 साल के थे शफीकुर रहमान। मुरादाबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस। अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान के निधन पर शोक जताया है। एक्स पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्ग साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध 5 साल बढ़ाया है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों और साजिश में शामिल रहने वालों पर हर हाल में करेंगे कड़ी कार्रवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह दरभंगा, सीतामढ़ी और सिवान में पार्टी नेता बुद्धिजीवियों से करेंगे संवाद। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम के भी दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राजस्थान बीजेपी 50 लाख लोगों से नमो ऐप डाउनलोड करवाएगी और इसके जरिए केंद्र और राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताया जाएगा। 29 फरवरी को किसानों के दोबारा दिल्ली कूच की संभावनाओं के मद्देनजर हरियाणा के कुछ जिलों में फिर इंटरनेट बंद। राज्य के कुछ जिलों में आज और कल बंद रहेंगे इंटरनेट। सीबीआई ने शुरू की इनेलो नेता की हत्या की जांच। हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक। तिहाड़ में बंद एक गैंगस्टर से भी की गई पूछताछ। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी हत्याकांड के बाद नफे सिंह राठी के परिवार को दी गई सुरक्षा। नफे सिंह के बेटे जितेंद्र राठी ने कुछ और नेताओं पर झूठे मुकदमे और साजिश रचने का लगाया आरोप। पूर्व सांसद जयाप्रदा फरार, आचार संहिता उल्लंघन मामले में फरार घोषित। 6 मार्च तक पेश न होने पर हुई कुर्की। रामपुर सीओ की को दी तलाश करने की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज रांची दौरा। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। पाकिस्तान में 1 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव की जारी हो सकती अधिसूचना। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग तय मानी जा रही है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की बड़ी मुश्किलें। मंगलवार को 190 मिलियन पाउंड के अलकादिर भ्रष्टाचार मामले में दोनों के खिलाफ आरोप तय। महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से रौंदा है। आरसीबी ने जीत के लिए मिले 120 रनों के लक्ष्य को 12.3 ओवर में किया हासिल। मंधाना ने खेली शानदार पारी। नामीबिया के बल्लेबाज यान निकोल लोफ्टी इटन ने इंटरनेशनल टी20 का लगाया सबसे तेज शतक। मात्र 36 गेंदों में बनाए 101 रन। नेपाल के कुशल मल्ला का तोड़ा रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी ने आंध्र प्रदेश टीम से ना खेलने का फैसला किया है। हनुमा ने एपीसीए पर अपमान करने का आरोप भी लगाया। बिहार में ईडी का एक्शन। लालू परिवार के करीबी संदेश विधायक किरण देवी और पूर्व विधायक अरुण यादव के आवास पर ईडी की रेड। किरण देवी के पति अरुण यादव बालू के बड़े कारोबारी हैं और बालू के कारोबारी से ही बनाई गई चल अचल संपत्तियों की जांच कर रही है ईडी। ईडी के साथ बिहार पुलिस की टीम भी मौजूद। किसी को भी अंदर जाने की मनाही। 10 अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल किरण देवी के घर में मौजूद। गुजरात के दिग्गज नेता पूर्व सांसद नारायण राठवा बीजेपी में हुए शामिल। हजारों समर्थकों के साथ नारायण राठवा बीजेपी में शामिल हुए। नारायण राठवा के साथ उनके बेटे संग्राम राठवा भी बीजेपी में शामिल हुए। रेल राज्य मंत्री रहे नारायण राठवा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कर चुके हैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। गुजरात में कांग्रेस को लगातार लग रहे हैं झटके। सूबे में कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। अब तक पार्टी के 2 कद्दावर विधायक बीजेपी में हो चुके हैं शामिल। अब 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके नारायण राठवा 1989 में छोटा उदयपुर से पहली बार चुनाव जीतने वाले राठवा ने 2004 तक इस सीट पर कब्जा बनाए रखा। बिहार के किशनगंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के गोदी गैंग में महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। यूपी के बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। कमांडर जीप और पिकअप गाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर थी। जीप के पखच्चे हो गए। कमांडर जीप से में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर लोगों को वाराणसी के अस्पताल में रेफर किया गया।